हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं, उस कॉलेज का नाम है नव सह्याद्री एजुकेशन सोसाइटीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बराबर, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब इसके कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ इस वीडियो में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इनका, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बराबर, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन से लेके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक पिक्चर भी मैंने यहाँ पर कॉलेज का कैंपस में से उठाया हुआ है और आपके सामने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो शायद ये पिक्चर कई लोगों ने देखा भी होगा, या फिर कई लोग इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, खास इन्फॉर्मेशन जो बाकी लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ देखने वाले हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले जैसे कि मैंने नाम बोला, आपको पता ही हो गया। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट 2010 से कॉलेज शुरू है। 6632 इस कॉलेज का डीटी का कोड है। डीटी रीजन पुणे है, डिस्ट्रिक्ट भी पुणे है। उसके बाद कॉलेज का डिटेल में जो एड्रेस है, देखिए यहाँ पर तालुका भोर दिखा रहा है। इसका मतलब पुणे डिस्ट्रिक्ट इसका और तालुका भोर है, मतलब पुणे सिटी से काफ़ी दूर कॉलेज है। ऐसा मत समझना कि पुणे है मतलब पुणे सिटी में होगा, नहीं, पुणे सिटी से काफ़ी दूर कॉलेज है। कितना दूर है वो भी हम देखने वाले, डोंट वरी। तो पिन कोड देख सकते हो और कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कहाँ पर है एग्जैक्ट, वो हम देखेंगे उसके बाद। अगर आप गूगल भी करते हो, गूगल मैप में आपको दिख जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आप इस कॉलेज को विजिट करना चाहते हो और पुणे रेलवे स्टेशन से आप देखते हो, तो 30 किलोमीटर दूर पड़ेगा आप कॉलेज। नियरेस्ट बस स्टैंड जो है वो है स्वारगेट का जो बस स्टैंड है पुणे का, वहाँ से आपको 25 किलोमीटर पड़ेगा, और पुणे का जो एयरपोर्ट है वहाँ से 43 किलोमीटर। बराबर, मतलब पुणे सिटी से ये 25-30 किलोमीटर दूर है, इतना आप पकड़ के चलिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से आपको बी डिग्री मिलेगी। और कौन से यूनिवर्सिटी से मिलेगी? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर दूर कोई कॉलेज होता है सिटी से, अगर कैंपस के अंदर हॉस्टल होता है, तो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि बाहर ज़्यादा पीजी वाले वगैरह वहाँ पे हो सकते हैं, पीजी में भी आपको वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल कॉलेज के बाहर भी मिल जाए, लेकिन कॉलेज के अंदर हो तो अच्छी बात हो। लेकिन यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है। ठीक है, तो बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल। इनटेक देखते हैं, बॉयज़ के हॉस्टल का टोटल इनटेक है 250 फर्स्ट ईयर के सीट से, 150। गर्ल्स हॉस्टल का 150 का हॉस्टल है फर्स्ट ईयर के सीट से, 100। ओके, तो आगे बात करते हैं कौन से कोर्सेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग कोर्स अवेलेबल है जिसका इंटेक है 30 और 2010 से शुरू है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 90 इंटेक है, 2010 से शुरू है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 30 इंटेक है 2021, मतलब अभी इंक्लूड किया है ये कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 30 है, 2010 से शुरू है। मैकेनिकल का 60 है, 2010 से शुरू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसके बारे में आप खुद रिसर्च कीजिए, ये कोर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको लेना है नहीं लेना है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, गूगल करिए, यूट्यूब पे देखिए और बाद में डिसीजन लीजिए। ठीक है, और 60 इंटेक है इसका, और ये भी अभी हाल ही में कोर्स इंक्लूड किया गया है। तो प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि मैंने बोला, नॉन ऑटोनॉमस है और नॉन माइनॉरिटी है। इस कॉलेज के प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इतना बताया हुआ है, आवर रिक्रूटर्स में बहुत कुछ नाम लिखे हैं कंपनियों के, जैसे कि डीवीजी वार्नर है, HDFC बैंक भी है, शायद इसमें से बहुत सारे कंपनियों के आप नाम जानते भी नहीं होंगे, इन्फोसिस का नाम है, रेनॉल्ट का नाम है। तो इन्होंने ऐसे नाम दिए हुए हैं, ICICI बैंक है, जॉन डियर है, फिलोलेक्स है। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे आवर रिक्रूटर्स में ये लिस्ट उन्होंने दी हुई है, मतलब उनका कहना है कि इन्हीं कंपनियों में हमारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो कैंपस में से हो या बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज से ही मिलेगी, प्लेसमेंट कैसा है या सीनियर बच्चों से मिलेगी। तो अगर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे देखना चाहें आप लोग, तो यहाँ पर एक बात तो उन्होंने ऐसा ग्राफिकली दिखाया हुआ है कि कॉलेज का रिकॉर्ड कैसा है। तो उन्होंने बोला है कुशर लैंडमार्क में कितने बच्चे प्लेस हुए, 5 से भी कम है। अमेजोन में बच्चे प्लेस हुए हैं, श्री रेफ्रिजरेंट, ये कंपनियों के नाम है, इतने इतने बच्चे यहाँ पर प्लेस हुए हैं। फिर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला है कि मैकेनिकल का ज़्यादा है यहाँ पर प्लेसमेंट। बराबर, उसके बाद ब्रांच वाइज प्लेसमेंट एट ग्लांस, सिविल के 17 बच्चे प्लेस हुए हैं, मैकेनिकल के 181, इलेक्ट्रिकल के 32। तो यहाँ पे एक बात मुझे नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने साल नहीं दिया है, किस साल का डेटा है, या फिर पूरे सारे साल मिलाकर एक साथ डेटा है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटी कंपनियाँ हैं लेकिन प्लेसमेंट अवेलेबल है, ऐसा इन्होंने बोला है। कुछ कुछ बड़ी कंपनियों के नाम दिख सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है यहाँ पर, बराबर, फोक्स वैगन है। उसके बाद देख सकते हो आप,
बहुत सारी लंबी लिस्ट यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का देख सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है, सिविल का देख सकते हो, लिस्ट ऑफ कंपनी प्लेस्ड स्टूडेंट, बराबर। देखिए IBM का नाम जो है, IBM कंपनी जैसा नाम दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना तो हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पर उन्होंने दी गई है नाम, आप वीडियो पॉज कीजिए पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतना यहाँ पर कह सकते हैं कि कम हो ज़्यादा हो लेकिन प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, आप फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बारे में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कैसी है, ये कौन से साल की है, अभी कैसी है, ये आपको बाद में ही पता चलेगा, या फिर जहाँ पे जो सीनियर है कॉलेज में अगर आप विजिट करते हो, या फिर कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके आपको पता नहीं चलेगा, सीनियर बच्चों से ज़्यादा आपको पता चलेगा कैसा है प्लेसमेंट वगैरह, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो ज़्यादा तो फीस स्ट्रक्चर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं किया है, लेकिन जो अपना फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है वहाँ से ये फीस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ओपन का जो फीस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 85,000 के आसपास होगा टोटल फी एक साल का ओपन के लिए। तो आपको बाकी तो फीस का अंदाजा लग ही जाएगा, बराबर। OBC और ABC के लिए 50% ट्यूशन फी में होता है, तो 40-45 हज़ार के आसपास उनका होना चाहिए, 1,000-2,000-3,000 इधर उधर हो सकता है। VJ NT SBC के लिए वो तो क्या होता है, ट्यूशन फी पूरा माफ होता है, तो आई थिंक यहाँ पर 10-12 हज़ार के आसपास इनका हो जाएगा, बराबर, या फिर 5-6-7 हज़ार ऐसा कुछ तो हो जाएगा। उसके बाद SC ST का और कम हो जाएगा, 3-4 हज़ार के आसपास होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का आई थिंक 30 हज़ार के आसपास, 25-30 हज़ार-20 हज़ार इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल नहीं किया है कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। जितना आपको रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आपको फीस कितना होगा, क्योंकि ओपन का पता है 85,000, तो 85,000 से कम ही होगा, बराबर। OBC EBC के लिए 50% डायरेक्ट कर सकते हो 45,000, तो उससे भी कम ही होगा VJ NT, जितना रिजर्वेशन है उतना कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये कॉलेज का कट ऑफ, जैसे कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग का आप देखिए, वीडियो पॉज कीजिए देखिए, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बताता हूँ आपको, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखिए, सिर्फ पुणे सिटी के जो कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। और मान लीजिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है और आपका परसेंटाइल कम है PCM का, और आपको कोई भी कॉलेज चलता है, सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी में चाहिए, बराबर। अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमें पुणे यूनिवर्सिटी से करना है, हमें कोई भी कॉलेज चलेगा और हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, तो ऐसे कॉलेजेस आप ढूंढ सकते हो, बराबर। अभी पुणे सिटी से बहुत दूर है लेकिन आपका परसेंटाइल भी कम है, अगर आपको सिटी में चाहिए तो बहुत बच्चे वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो स्कोर बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा। तो अगर आपको पुणे यूनिवर्सिटी चाहिए तो ऐसे कॉलेजेस आप ढूंढ सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस मैंने इस वीडियो पे चैनल पे डाले हुए हैं, अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पुणे, तो एक एक सारे कॉलेजेस हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर। तो वहाँ पे आप जाके हर एक कॉलेज पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी 55% मतलब बहुत कम है। पुणे सिटी के जो कुछ कॉलेजेस डिमांड में कॉलेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पर लेना चाहते हैं, उनका 80% से अबाव कट ऑफ है, तो उसके कंपेरेटिव तो बहुत कम है, ठीक है। तो SC का देख सकते हो, ST का अवेलेबल नहीं हो पाया, VJ का देख सकते हो, NT2 का देख सकते हो, NT3, OBC का तो सिर्फ 10% कट ऑफ है, बहुत ही कम कट ऑफ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच के लिए, ठीक है। तो EWS TFWS का होता है, वो स्टेट लेवल पे होता है, जिन्होंने इस स्कीम के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, और ऑल इंडिया मतलब JEE मेन से जिन्होंने एडमिशन लिया था पिछली बार, तो ये 54% पे क्लोज हुआ था। ये कहाँ का कट ऑफ है, कैप राउंड 1 का कट ऑफ है पिछले साल का, देख सकते हो आप 2021-22 कैप राउंड 1 कट ऑफ, MHT CET के PCM परसेंटाइल पे आपका एडमिशन होता है, राइट। तो मैंने तो इतना तो बता दिया कि कट ऑफ पढ़ना कैसे आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, कट ऑफ लिख के ले सकते हो, या फिर वीडियो तो आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल है ही, कभी भी आके आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वीडियो पॉज कीजिए, कट ऑफ अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से कट ऑफ आप लिख के लीजिए। यहाँ पर तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि इस देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, कंप्यूटर नहीं मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे भी फिर उसके बाद कट ऑफ ज़्यादा होता है, कंप्यूटर IT के बाद ज़्यादा कट ऑफ किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस में 60-70% कट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20% है, मतलब आपका कितना स्कोर कम होगा तो आपको आराम से ये तो कोर्स मिल ही जाएगा इस कॉलेज में, बराबर। लेकिन कॉलेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको खुद को निकालनी होगी, वो कॉलेज कैसा है, आपको वहाँ पे रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ देखिए फिर आप डिसीजन लीजिए, बराबर। लेकिन मैं बोलता हूँ कॉलेज का स्कोर कम है तो डायरेक्टली आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं करना है आपको, बहुत सारे कॉलेजेस आप लिस्ट बनाइए उसके हिसाब से डालिए, ठीक है। मैं तो हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ आपके लिए, हर एक वीडियो में बना ही रहा हूँ, ठीक है।
इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल का क्या है, यहाँ पर बहुत कम कट ऑफ है, 8% है सिर्फ, वीडियो पॉज कीजिए। उसके बाद जो कट ऑफ लगता है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बराबर। अभी चार ही कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद आईटी अगर अवेलेबल हुआ तो आईटी, कंप्यूटर है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बराबर। ये चार कोर्स जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बराबर, और इनके ही कट ऑफ ज़्यादा होते हैं। तो बाकी मैकेनिकल सिविल का तो कट ऑफ बहुत कम होता है, बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से कट ऑफ पड़ी है। तो इस कॉलेज के बारे में जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर शेयर की है, बराबर। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। कोई ऐसा है इस कॉलेज से पास आउट हुआ है, सीनियर है, वो भी कमेंट के बता सकता है कोई खास बात इस कॉलेज की जो सबको पता होनी चाहिए, बराबर। तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पर लेके आपके सामने प्रेजेंट की है। तो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।